तो आगे फिर से मिलियन नए ब्लॉग में, जो कि होने वाला है अब तक का सबसे मस्त ब्लॉग। अच्छा हाँ, जिसमें रोमांचक और सैड वगैरह सब कुछ होगा आज। ठीक है हाँ, तो बिना देर किए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो, जो कि मैं इतना मजेदार वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को कैसे लगते हैं ये आप बताइएगा जरूर। ठीक है तो कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसको मैंने डिलीट कर दिया, जो कि उसमें मेरे दोस्त की बहन आ चुकी थी, बहुत दुख की बात। अच्छा हाँ यार, नहीं तो आज वो भी वीडियो एकदम से मस्त ट्रेंडिंग में छा गया होता, बस आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, बट ये नहीं हुआ। खैर वो सब छोड़िए, हम लोग तो ब्लॉग के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये देखिए ना कैसा लग रहा है, इतना हरियाली कि मेरे दिल से तो बस सिर्फ एक ही आवाज़ आता है, वाह। और आप भी इधर आइएगा तो आपके दिल से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलेगा, वाह। मेरे को तो लगता है कि हम लोगों के सोचने का मकसद सिर्फ एक ही है, झींग टपाक डम डम। उस पे ज़्यादा गौर ना फरमाते हो, मेरे तरफ देखिए और इसके तरफ देखिए, जो कि ये भी थोड़ा फनी बंदा है, मैं इसके बारे में क्या बात। अच्छा हमको सिखा रहा है? नहीं मैं सिखा कर रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ कि ये कैसा बंदा है, बस यही तो मैं बताना चाहता हूँ। खैर आप वो सब छोड़िए, इधर देखिए, क्योंकि मैं अब आ चुका हूँ नहर के पास, नहर बहुत पास में है और आपको मैं नहर दिखाऊंगा, जो कि अब मैं थोड़ी देर में नहर के पास पहुँचने ही वाला हूँ। तो देखिए अब फिलहाल मैं नहर के पास पहुँच ही चुका हूँ, ये आप देख सकते हैं नहर, जो कि मेरे उस नहर को मेरे पूर्वजों ने खुदवाया है, पर आपके भी पूर्वज ने खोदा होगा, मेरे को मालूम नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं तो भाई किसी का धोती नहीं खोल रहा हूँ, मैं तो अपने पूर्वजों का सच्चाई बता रहा हूँ। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। मैं तो अपना भाव प्रकट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। अच्छा ताकि आप लोग मेरी तरह मजे कर सकें। ठीक है खैर, ये लगता है कि ये वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाला है, आप लोग क्या बता सकते हैं? कुछ भी। अरे आप इतना गुस्सा मत हो जाओ यार, मेरे को बहुत बुरा लगता है। अच्छा हाँ वो सब छोड़ो यार, मेरे को बुरा लगता है, वो सब छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये जो बंदा है ना मेरे आगे, इसका गाना सुनोगे क्या? ये लो ना सुन लो। हाँ ये बताओ आप लोगों को इसका गाना कैसा लगा? बहुत मजा आ रहा है यार। इधर तो देखो, इधर कितना नेचर का प्रभाव है यार, इतना हरियाली, थोड़ा इसको भी इंजॉय कर लो। ठीक है। कभी कभी लगता है कि मैं मर चुका हूँ और इधर आता हूँ तो लगता हूँ कि मैं जन्नत में हूँ, पर मैं तो जिंदा ही रहता हूँ। पर मैं यहाँ पे रुक चुका हूँ आपको दिखाने के लिए, जो पहाड़ जैसा दिख रहा है ना, यहाँ पे आने में मेरे को बहुत सुकून लगता है, ऐसा लगता है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। उससे ज्यादा मजा तो इस पेड़ के पास आने में लगता है। अच्छा हाँ, पर मैं आपको एक चीज दिखा दूँ, यहाँ पे जो एक बड़ा पीपल का पेड़ दिख रहा है, मैं स्कूल छुट्टी होने के बाद यहाँ पे खूब आता था, यहाँ पे आने के बाद मेरे दिल से सिर्फ एक ही आवाज निकलता था, ओह माय गॉड। पर और आगे देखो ना मैं क्या दिखा रहा हूँ। वो तो हो गया अमीरों का स्कूल जिसमें अमीर पढ़ते हैं, और ये है हम जैसे गरीबों का स्कूल, सरकारी स्कूल, जिसमें मैंने बहुत मजे किए हैं और पढ़ाई किए हैं और छोटे बच्चे को तंग भी किया है। अच्छा हाँ, पर मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं डेली एक जगह जाता हूँ जो मेरे मामा का दुकान है, पर इस रोड से मैं जाता हूँ ना, मेरे दिल में बहुत सुकून आता है यार, ऐसा लगता है मैं जन्नत में हूँ यार, रियली। पर एक और बात, इधर मैं आपको दिखा दूँ, जो कि इधर हरियाली है, कितना अच्छा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पर मैं सीधे पॉइंट पे नहीं आ रहा हूँ, ये तो आपको पता चल ही रहा होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अभी मजा कहाँ आएगा, मजा तो अभी और आगे है। देख लो भाई, भलाई का जमाना ही नहीं है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पर मैं उन पे ध्यान नहीं देता। अब ये देखो, हम लोगों का साइकिल ही पंचर हो गया, अब इसको जाके साइकिल बनवाना पड़ेगा, ये देखो यार अब क्या हो गया, किसी का श्राप लग गया हमको। तो दी एंड हो चुका है, तो चलिए यही तक हमारा ब्लॉग था और हमारा यही तक साथ था, अब मिलिएगा नए ब्लॉग में, जो कि मैं फिर से दूसरा नया ब्लॉग बनाऊंगा, और ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा।